नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। यह ऊपर जो उड़ता हुआ आप हवाई जहाज देख रहे हैं, ये सामने जो आपके जा रहा है हवाई जहाज, और नीचे यह ग्वालियर रोड झांसी पर बन रहा 4 लेन ओवरब्रिज है। ये दोनों ही नज़ारे आपको अब अक्सर दिखाई देंगे, क्योंकि यहाँ आगे थोड़ी दूर पर हवाई अड्डा है झांसी का, जहाँ जो हवाई जहाज हैं वो उतारे जाते हैं। तो इस प्रकार अब एक अद्भुत नज़ारा देखने को मिलेगा, जहाँ ये 4 लेन आप ओवरब्रिज पर चलेंगे तो ऊपर से आपको होते हुए ये हवाई जहाज दिखाई देंगे, हेलीकॉप्टर दिखाई देंगे। खूबसूरत नज़ारे होंगे, क्योंकि ये बदलती स्मार्ट सिटी झांसी है। जैसा कि हम आपको लगातार ग्वालियर रोड पर बन रहे इस ओवर ब्रिज को लेकर लगातार आपको जानकारी देते हैं और बताते हैं कि यह ओवर ब्रिज किस तेजी से बन रहा है। दरअसल ओवर ब्रिज बनना एक बहुत कठिन प्रक्रिया होती है, क्योंकि इसके निर्माण में काफ़ी समय लगता है। ये जो आप 4 लेन का ओवर ब्रिज देख रहे हैं, यहाँ का जो हिस्सा है जहाँ आप रेल पटरी देख रहे हैं बीच में, इस रेल पटरी के ऊपर का हिस्से का निर्माण रेलवे की ओर से किया जा रहा है। और ये देख सकते हैं, ये आ गया आपके ऊपर, ये हेलीकॉप्टर लगातार राउंड ले रहा है, क्योंकि थोड़ी ही दूर के बाद इसे हवाई अड्डे पर लैंड करना है या कहीं जाना है। तो ये देख सकते हैं आप, ये यहाँ से आपको हेलीकॉप्टर की खूबसूरत नज़ारे दिखाई देंगे। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, ये निर्माण कार्य रेलवे की ओर से किया जा रहा है। ये रेलवे का हिस्सा है और इस हिस्से का निर्माण सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही बनने के बाद जो काम उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम का है, वह दूसरे हिस्से में है, वो लगातार चल रहा है। ओवरब्रिज बहुत कठिन और जटिल प्रक्रिया होती है। हम आप लोग ओवरब्रिज पर चलते तो हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, लेकिन इस ब्रिज के निर्माण में कितना समय लगता है और कितने मजदूरों की मेहनत होती है, यह आप हमारे लगातार वीडियो से देख सकते हैं, और हम आपको लगातार दिखाते भी हैं कि किस मेहनत के साथ में एक ओवरब्रिज का निर्माण होता है। मशीनरी लगती है, मजदूर लगते हैं, इंजीनियरों का दिमाग लगता है, और काफ़ी समय जो इस डिज़ाइन को आकार देने में लगता है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। दरअसल जोखिम बहुत होता है, क्योंकि तो बड़ी बड़ी मशीनों का उपयोग करना पड़ता है, तब जाके एक ओवरब्रिज आकार लेकर आपके लिए तैयार होकर सामने आता है। ये आप जो नीचे के जो पिलर देख रहे हैं लोहे के, वो इस ऊपरी हिस्से के निर्माण की एक प्रक्रिया होते हैं, ताकि जब ऊपर का हिस्सा बनता है तो वह आपके लिए पूरी तरह से तैयार होकर नज़र आता है। और सामने आप देखेंगे तो ये दूसरा हिस्सा जो बीकेडी की तरफ जाने वाला है। हालांकि यहाँ पर एक बड़ा सवाल है कि जो 2 पिलर हैं ब्रिज के, जिनके ऊपर का हिस्सा जो बनेगा, तो यहाँ से यदि आप देखेंगे तो इन 2 पिलर के बीच में काफ़ी गैप है। यहाँ से आप देखेंगे तो आपको साफ दिखाई देगा कि जो 2 पिलर होते हैं जिनसे पूरा ओवरब्रिज ज्वाइंट होता है, उनके बीच में यहाँ काफ़ी गैप है। और यह गैप कैसे भरा जाएगा, ये अभी हमको जानकारी नहीं है, क्योंकि जो ऊपरी हिस्सा है उसके निर्माण का कार्य अभी चल रहा है और यह उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम पूरा करेगा। हम कोशिश करेंगे कि जानकारी ले सकें कि ये जो बीच के हिस्से हैं वह किस प्रकार से आपस में ज्वाइंट होंगे, क्योंकि यहाँ पर तो काफ़ी गैपिंग आएगी। ऊपर जब फर्राटे भरने का वाहनों का समय होगा, तब यहाँ पर जो गैपिंग है वो काफ़ी आप देख सकते हैं दूर है। तो क्या यहाँ पर ओवरब्रिज इस हिस्से में अलग अलग हो जाएगा, या क्या इसकी रूपरेखा होगी, ये हम आपको जानकारी लेकर बताएंगे। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो आगे जाकर तो दोनों हिस्से लगभग मिले हुए हैं, आपको देख सकते हैं आप यहाँ पर अगर जाएंगे तो यहाँ पर जो पूरी तरह से मिले हुए और यहाँ पर इनकी गैपिंग लगातार बढ़ती जाती है।
तो ये गैपिंग किस प्रकार से भरी जाएगी, क्योंकि यह तकनीकी काम होता है। हम अधिकारियों से बात करेंगे, उसके बाद बताएंगे आपको अगर हमको जानकारी होती है। लेकिन अगर ये गैपिंग को लेकर कोई और दूसरा प्लान है तो वो भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि ऊपरी हिस्से में अगर आपको दो भाग होते हैं ऊपर ओवरब्रिज में, तो एक अलग रोमांच नज़र आए, एक अलग तरीके का झांसी में ये ओवरब्रिज होगा। लेकिन इसकी फिलहाल अभी बहुत तेज़ी से प्रक्रिया जारी है। तो आपको फिलहाल यह झांसी का जो ओवरब्रिज है वह कुछ अलग प्रकार का दिखाई देगा। ऊपरी हिस्से में जब आप चलेंगे तो ये दो भागों में हो जाएगा, आगे जाके एक भाग में मिल जाएगा। क्योंकि अभी जो डिज़ाइन सामने है उसमें तो फिलहाल जो बनावट है वो यही है, क्योंकि ये फोर लाइन का है, टू लाइन का नहीं है। जो टू लाइन का होता है वह एक में हो जाता है। और ये देख सकते हैं आप, यहाँ से आपको दूसरे जो ब्रिज के हिस्से हैं वह नज़र आ रहे होंगे। इससे आप अंदाज लगाइए कि ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे, अलग अलग रास्ते यहाँ से रहेंगे ये फोर लाइन के। और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वहाँ पर यह ब्रिज मिलते चले जाएंगे, और यहाँ वाले हिस्से में दो हिस्से रहे हो जाएंगे। तो फिलहाल ये काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है झांसी के ओवर ब्रिज का, जो हम आपको लगातार इसकी अपडेट देते हैं। हालांकि इसके बनने में अभी थोड़ा समय नज़र आ रहा है, क्योंकि जो निर्माण की प्रक्रिया है उससे अभी नहीं लगता है कि यह बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। 2024 के चुनाव से पहले जिस प्रकार से इसको लेकर जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वह उत्साहित हैं, लेकिन यहाँ की जो प्रक्रिया है वो ये बताती है कि इसमें अभी काफ़ी समय लगेगा, और झांसी वासियों को ओवरब्रिज पर चलने के लिए काफ़ी इंतज़ार भी करने पड़ेगा। हो सकता है कि शायद एक हिस्सा इसका पूरा होने के बाद लोगों को आने जाने के लिए खोल दिया जाए, क्योंकि दूसरे हिस्से का निर्माण वहाँ पर जारी रहे। जो भी होगा वह सामने आएगा। एक हिस्से का निर्माण तो लगभग देख सकते हैं बहुत तेज़ी से पूरा हो रहा है। आपको यदि ओवरब्रिज का और करीब से नज़ारा देखना है तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर जो रेलवे लाइन है जहाँ यह निर्माण चल रहा है, उस रेलवे लाइन के थोड़ा आगे अगर आप ये वाला हिस्सा देखेंगे तो ये पूरी तरह से ऊपर का अभी आपको अधूरा नज़र आता होगा। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि ये निर्माण होना शेष है, और इस निर्माण की जो अवस्था है उस अवस्था के बाद आप खुद अंदाज लगा सकते हैं कि यह कितने समय में पूरी होगी। 2024 के चुनाव से पहले ओवरब्रिज पूरी तरह तैयार हो जाए ऐसा होना अभी प्रतीत नज़र नहीं आता है। लेकिन जैसा कहते हैं कि कार्य बहुत गति से जारी है, और इसकी क्या रूपरेखा होगी, क्या इसकी प्लानिंग है, वो तो आने वाले समय में पता चलेगी। ये जो निर्माण के नज़ारे हैं आपको देखने में बहुत रोमांच पैदा करते होंगे, क्योंकि ओवरब्रिज हो या कोई भी निर्माण हो उसकी जो प्रक्रिया होती है उसकी जानकारी होना अपने आप को रोमांच में देती है। ये तो फिर झांसी का फोर लेन का ओवरब्रिज का निर्माण हो रहा है, तो यहाँ सैकड़ों जो कारीगर हैं वह आपको देख रहे हैं लगे हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत मेहनत से काम होता है, बहुत टेक्निकल काम है, बहुत जोखिम का भी काम है। नीचे इंजीनियर खड़े हुए हैं, वह लगातार मॉनिटरिंग करते हैं, और जो मजदूर हैं वह पूरी जो खाका है उसको पूरा करने का प्रयास करते हैं। ये आप देखेंगे तो जो क्रेन होती है उससे सामान को ऊपर ले जाया जाता है, क्योंकि काफ़ी वजनीले सामान होते हैं, उन्हें ले जाने के लिए जो बड़ी बड़ी क्रेनें हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। बगैर क्रेन का तो कोई भी सामान ऊपर नहीं जा सकता, और इतना हैवी सामान है इसका आप अंदाज लगाइए कि कितना वजन का होगा। और यह धीरे धीरे करके ब्रिज के ऊपरी हिस्से में ले जाया जा रहा है। ये देख सकते हैं आप, इसको लगातार ऊपर की ओर ले जा रहे हैं, क्योंकि यह ऊपरी हिस्से में जाना है। काफ़ी वजनीले हैं, और बगैर इतनी बड़ी
मशीन की यह ऊपर नहीं जा सकता है, तो कितना वजन का सामान मशीनों के जरिए जाता है यह आप देख सकते हैं। और नीचे से ट्रेन भी आपको निकलती नजर आ रही होगी, ब्रिज भी बन रहा है, ट्रेन भी जा रही है, हवाई जहाज भी गुजर रहा है। बहुत रोचक और अद्भुत नजारे हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। भारी सामान है ऐसे क्रेन के जरिए ऊपर ले जाया जा रहा है, यह भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये आप देख रहे होंगे कि जो क्रेन के जरिए ऊपर के हिस्से में ये सामान पहुंचाया जाना है, तो नीचे से ये लगभग ऊपर के हिस्से की तरफ आ गया है और इसको ऊपरी हिस्से में सकुशल पहुंचाया जाएगा। और यही काम क्रेन का होता है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। बड़े बड़े जो भारी सामान है वह क्रेन के जरिए ऊपरी हिस्से में जाते हैं ताकि उनका वहाँ पर उपयोग हो सके। तो फिलहाल आप यहाँ का जो ओवरब्रिज है उसका आपने काफ़ी कुछ हिस्सा बनते देखा है और बन रहा है। यह ब्रिज कब तक तैयार हो जाएगा और कब तक आप उस पर फर्राटा भरेंगे यह हम आपको लगातार बताते रहते हैं, लेकिन कुछ हिस्से जो हैं ये वाले जो आपको हिस्से नज़र आ रहे होंगे इनका निर्माण जिस अवस्था में है, जिस स्थिति में है, उससे तो आपको अंदाज लग सकता है कि ये अभी बनने में काफ़ी समय लेंगे और आप 2024 में पुल के दोनों हिस्सों में फर्राटे भर सकें यह अधिकारी ही बता सकते हैं। लेकिन इनकी जो प्लानिंग है वो प्लानिंग आपको निश्चय ही एक सुखद यात्रा की तरफ ले जाएगी। तो फिलहाल आपको हमने बहुत खूबसूरत नज़ारे दिखाए, इस निर्माण की प्रक्रिया दिखाई, कैसे पुल के नीचे से है मोटर माफ करें रेल भी गुजर रही है, ऊपर से हवाई जहाज हेलीकॉप्टर घूम रहे हैं, बड़ी बड़ी क्रेनें काम कर रही हैं। आपको यह रिपोर्ट कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए और देखते रहिए मार्केट संवाद की रिपोर्ट झांसी।